हम जाएंगे यहाँ से तो बिल भर के जाएंगे। बिजली का तो ये जथेबंदी है, इन्होंने हमें तो कनेक्शन दिया है, उससे चल रहा है। जिनके भी ये ट्राली है, चाहे तंबू लगा हुआ है, सबके लाइट्स की सुविधा पूरी है। मेरा नाम छगनलाल चौधरी, अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान महासचिव। हम यहाँ 13 तारीख को आए थे, 13 तारीख को आए तो यहाँ सामने से सरकार ने ये रास्ता रोक दिया। तो रोकने के बाद हमारा पूरा देश में जो आंदोलन है उसका ये फैसला है कि जहाँ भी सरकार हमें रोकेगी हम उसी जगह पे रुक जाएंगे। तो हम यहाँ रुक गए और रुकने के बाद ये जो सारे जो सामियाना है, टेंट जो है, ये हम बाज़ार से ये बांस और दूसरे जो त्रिपाल जो हैं ये लाके बनाए, और जो जो किसान बढ़ते गए तो ये ऊपर तक की ये जो तैयारी है वो किया। उसके साथ साथ जो खाने का, रहने का, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी। और जो मुख्य आजकल जो मोबाइल है उसके लिए और रात को लाइट के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत था, उस दिक्कत को हल करने के लिए कुछ 1-2-3 दिन तो हमने हमारे ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से मोबाइल चार्ज का और का ये किया। उसके बाद हमने ये सोचा कि ये तो लंबा काम चलेगा, इसलिए यहाँ बहरोड का जो IN कार्यालय है निमराणा में, उस IN कार्यालय में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के नेता है DS मिल, जो बिजली AC से रिटायर है, उनको हमने ये जवाबदारी दी कि यहाँ हमारे पास बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। राजस्थान विद्युत वितरण निगम के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति टेम्परेरी कनेक्शन ले सकता है, तो उसी टेम्परेरी कनेक्शन के आधार पे हमने यहाँ पर टेम्परेरी कनेक्शन लिया, और उसी कनेक्शन से हम आज जो ये सारी जो लाइटें हैं, ये लाइटें उसी से जला रहे हैं। पहले दिन जब हम आए थे तो यहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने 1500 रुपये के अंदर यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति से किराए के ऊपर जो है जनरेटर बड़ा लिया, और उससे हमें जितनी हमारी संख्या थी वहाँ तक लाइट भी की, और एक हमारी खाना पकाने की मशीन थी उस मशीन को भी हमने चालू रखा, और उसके बाद में हमने स्थायी रूप से कनेक्शन ले लिया, और जितना भी उसका हमें वो कनेक्शन मिल गया, अब जो लाइट चल रही है हमारी वो स्थायी रूप से वकायदा ट्रांसमीटर से आ रही है, और जितना भी उसका बिल आएगा वो बिल हम किसान लोग भर के जाएंगे। हमने तो कनेक्शन लिया है, टेम्परेरी मीटर लगा के कनेक्शन लिया है उधर गुरुजीगढ़। कनेक्शन हमने पैसे जमा करा के लिए है, टेम्परेरी कनेक्शन, जब यहाँ से चले जाएंगे पैसे जमा करा के, वो मीटर दिया है बिजली बोर्ड ने, और वो चल रहा है, कल वो जल गया था, दोबारा आज दूसरा मीटर लगा के गए हैं और पैसे दे के वो लगाए हैं। हमारे एक यहाँ SC रिटायर है बिजली बोर्ड से, वो किसान नेता है, उसका नाम BS मिल है, और उसकी एफर्ट से, उसकी मेहनत से, या वो जानकार होंगे उनके एक्शन और कानून भी जानते हैं, तो उन्होंने अपने को यहाँ टेम्परेरी कनेक्शन दे दिया एक किसान के नाम से, और उसका बिल भी चुकाएंगे, और उसके जाने के बाद में वो वापस अपना मीटर ले बिजली कनेक्शन दे बोले। मोबाइल चालू चार्ज कर लिया और चार्जर कर लिया, हाँ था ही मोबाइल चार्ज कर लिया, चार्जर कर लिया, पैसा दे कर जाओगे, सिर्फ मोबाइल चार्ज और लाइट और बस, हाँ बस यही, और कोई यूज ही नहीं, तो हाँ वो यूज और क्या है, यहाँ तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं हमारे पास, बस भाई मोबाइल चार्ज लाइट बस प्रकाश के लिए चाहिए और कहाँ के लिए चाहिए। ये 8700 समथिंग रुपया यहाँ टेम्परेरी कनेक्शन का निमराणा IN कार्यालय में जमा कराया हमने। अच्छा। जी, अब इसका हर एक महीने का बिल बनेगा? हाँ, 2 महीने से बिल आता है, 2 महीने से, हाँ, 7600 अभी आएगा। अभी 2 महीना नहीं, ये नियम है, 2 महीने से राजस्थान में बिजली का कनेक्शन का जो बिल आता है जी। ये हमारे किसान सभा के लीडर है भागीरथ, उनके नाम से 7602 रुपया हमने ये पैसा जमा करवाया। हम इलेक्ट्रिशियन से मिस्त्री हैं, मैकेनिक, हमको, हाँ हम 13 तारीख से सेवा दे रहे, 13 तारीख से बुलाया हमें, जब किसान परेशान हो रहे थे
तो किसान का बेटा होने के नाते हमने 13 तारीख से सेवा दे रहे हैं और दिन रात 24 घंटा सेवा में लगे हैं। ये रास सरकार से हम मीटर का बिल भर के फिर कनेक्शन दिए किसानों को जिससे कोई परेशान ना हो, दिन रात इनकी सेवा में जुटे हैं। चाहे 12 बजे हमें फ़ोन कर दिया जाए तभी हमें उठ के आ जाते हैं। हमें उनके जैसे लाइट देना, किसी को बल्ब लगाना, चाहे रात को 12 बजे आए चाहे 2 बजे, हम हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इनका हक दिया जाए हमारे किसान बुजुर्गों का, जो ये हमारे देश के अन्नदाता है, जो पूरे देश का को अन्न देते हैं, रोटी देते हैं। अकेले अन्नदाता नहीं, माई बाप है देश के, माँ बाप है ये, माई बाप और ये अपना हक लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अपना हक लेके रहेंगे और हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं। अभी जो लोकल प्रशासन है यहाँ का, उससे हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए थे तो उनसे हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि ये हमारा 25 दिन से यहाँ कब्जा है, हमारे पास बिजली का कनेक्शन है, अब हमें इस जगह का पट्टा चाहिए ताकि हम क्या है कि इस पे परमानेंट के जो ईंट से हमारे जो कार्यकर्ता है, कल का जो बरसात है उससे बड़ी भारी परेशानी हुई सबको, इसलिए सबका ये है कि 3-3, 4-4 हज़ार जिस तरीके से ये तिरपाल और ये बांस अलॉट करते हैं उसी तरीके से 3-3, 4-4 हज़ार ईंट अलॉट कर दें तो यहाँ क्या है कि पक्का मकान बनाने की तैयारी है।